गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हमारी गाड़ी में ये शॉकअप चेंज करने वाले हैं। एक्चुअली ये ख़राब हो गया है, गाड़ी बहुत जंप कर रही है, तो इसको कैसे चेंज करना है हम ये वीडियो में कवर करेंगे। और इसके क्या प्रॉब्लम आ गई, किस वजह से आ गई, ये भी मैं बताऊँगा। और ये ख़राब हो गया है या नहीं या अच्छा है, तो इस वीडियो में हम इसमें कवर करेंगे और देखेंगे कि ये ठीक है कि नहीं। फ़िलहाल तो ये ख़राब हो गया है, तो इसको खोलने बाद पता चलेगा। ये सब पूरा खोल कर हमें बाहर लेने गए, फिर इसको रिप्लेस करना है ये शॉक। चलो लेट्स डू। हमने ब्रेक भी लूज़ कर दिया है ताकि व्हील हम बाहर निकाल सकें, और हमें इसको ओपन करना है। ये 19 नंबर के बॉक्स पैन से मैं ओपन करूँगा, और सेम इधर 14 नंबर का ये बॉक्स पैन है, तो उसको मैं लूज़ करता हूँ। अभी ऐसा निकाल लेंगे, इधर निकल आया। मैंने ये लकड़ी लगा दिया है, वुडन छोटा सा प्लाई, ताकि हम व्हील बाहर निकाल सके। को ऐसा निकालना, ख़राब होने का रीज़न क्या है, ऑयल लीक हो रहा है इसमें से। ये पूरा ऑयली ऑयली है, ये देखो, ये पूरा ऑयल लीक हो रहा है इसमें से। ये फिर भी ठीक है, और इसमें से बहुत ऑयल लीक हो रहा है, इसको हम रिप्लेस करेंगे। इसको रिप्लेस करने के लिए ऊपर 12 नंबर का ये बोल्ट है इधर भी, और सेम इधर भी, तो इसको हम ओपन करेंगे और फिर ये बाहर आ जाएगा। कि मैंने 12 नंबर का, 12 नंबर का बाहर है, 12 mm का बॉक्स पैनल ले लिया है, इसी से अब मैं इसको ओपन करता हूँ। इजीली ये खुल भी है, ये देखो, ये निकल गया, कुछ ऐसा दिखता है ये शॉकअप। देखो इसमें से पूरा ऑयल लीक हो रहा है, शॉकर हमें चेंज करना पड़ेगा, पूरा ख़राब हो गया है ये। ये देखिए, ये नया शॉकर है, इसके बाद में ये बूश मिला है लगकर। ये तो अच्छा है कि इसके साथ ये बुश मिल रहा है, तो हमें अलग से भी डालना पड़ता। ये मैंने हीरो का परचेज़ किया है जेन्युइन, मेरे को पड़ा है कुछ 850 रुपीज़ में। इसमें MRP है, सिंगल MRP है 430, तो ये अच्छा है, मेरे को सस्ते में पड़ गया और अच्छा भी है। और ये ओल्ड वाला है, पुराना, तो कंपैरिजन देखो कितना
डिफरेंसेस में, ये होंडा का है जबकि और ये हीरो का है। तो इसको लगा कर देखते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स आता है नए वाले का। चलो फिर इंस्टॉल करेंगे, आप चाहिए तो इसमें देख लो पार्ट नंबर प्राइस वगैरह जो भी आप, तो उसको आप दिखा कर परचेस कर सकते हो ऑफलाइन। मैंने ऑफलाइन ही परचेस किया इसको। सो तो अब इसको इसमें इंस्टॉलेशन करते हैं। अभी थोड़ा हमें लुब्रिकेट करना पड़ेगा ग्रीस से, ग्रीस लगा अप्लाई कर दो थोड़ा। ऐसा अंदर डालना है, सबसे पहले इसमें होल मैच करना रहेगा आप लोगों को। A few moments later. सेम वही 12 नंबर सॉकेट से इसको टाइट करना है। कैसे प्लेस करना है, सबसे पहले इसका होल मैच कर लेना है आपको। होल मैच करने के टाइम संभल के होल मैच करिए, बाद में ये नट सॉरी बोल्ट है ना, बोल्ट इसमें लगा दें। ये अच्छे से मैंने इंस्टॉल कर दिया है इसमें, और दोनों मतलब इंस्टॉल हो गया है। और इंस्टॉलेशन की प्रोसेस ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपके पास टूल्स होगा अच्छे से तो आप घर पे आराम से कर सकते हो। तो उसको बाकी पूरा सेटअप करने के बाद आप मिलते हैं फिर। देखो इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हो गया है इसका, ये नया वाला सेटअप है पूरा, ये भी और ये भी। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा कैसे इसको रिप्लेस करना है, इसका शॉकअप, ये शॉकअप पूरा कैसे रिप्लेस करना है पता चल गया रहेगा। कोई भी इंक्वायरी चाहिए आपको तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा। और कैसा लगा है वीडियो ये भी मेरे को बता देना आप कमेंट में। तो उम्मीद करता हूँ गाइस अच्छा लगेगा, लगा होगा सॉरी लगा होगा आपको वीडियो। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है इसको बनाने में। राइड हार्ड राइड सेफ़।